जब भी हम कोई डॉग परचेज करने जाते हैं तो फ्रेंड्स हमारे मन में एक ना एक बार लैब्राडोर का नाम जरूर आता होगा, क्योंकि भाई ये जो लैब्राडोर डॉग ब्रीड है ये अपनी कंट्री के साथ साथ काफ़ी अदर कंट्रीज में भी मोस्ट फेमस डॉग ब्रीड्स कैटेगरी में से एक है। और वैसे भी हम लोग को अपने आसपास के घरों में काफ़ी लैब्राडोर देखने को जरूर मिलते होंगे, तो आप इसी से एक आइडिया लगा सकते हैं कि जो ब्रीड है ये कितनी ज़्यादा फेमस और पॉपुलर है। जितनी भी डॉग ब्रीड्स आजकल हम अपने पास देखते हैं और जानते हैं उन सभी में लैब्राडोर की एक अपनी अलग ही हिस्ट्री है। तो आइए फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में इनके कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स और इनकी हिस्ट्री के बारे में आपको बताएंगे, तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या आपको पता है कि लैब्राडोर की डॉग ब्रीड क्यों बनाई गई थी? तो फ्रेंड्स लैब्राडोर रिट्रीवर को वाटर डॉग बनाने के लिए ही ब्रेड किया गया था, क्योंकि एक वाटर डॉग है इसलिए इनके पास वाटर रेजिस्टेंट कोट फर होता है जो इन्हें आराम से काफी देर तक इंसुलेटेड रखता है, साथ ही इन्हें गर्म भी रखता है। इनके पास वेब्ड फीट होते हैं जो इन्हें पानी में काफी इजीली और काफी तेजी से तैरने में हेल्प करते हैं। लैब्राडोर का यूज फिशिंग वर्क में किया जाता था, मछुआरे लोग इनको दूर चला गया हुआ नेट वापस लाने में, छोटी छोटी मछलियों का शिकार करने में, कोई डूब रहा हो उसे बचाने में, नाव की रस्सी खींचने में और भी काफी सारे ऐसे अदर टास्क थे जिनमें इनका यूज किया जाता था। ये जो लैब्राडोर डॉग है ये न्यूफाउंडलैंड डॉग ब्रीड है। 18th सेंचुरी में न्यूफाउंडलैंड डॉग को छोटे छोटे वाटर डॉग से ब्रीड किया गया था जिनसे सेंट जॉन वाटर डॉग्स का जन्म हुआ। वो छोटे छोटे डॉग आज के ही मॉडर्न लैब्राडोर जैसे दिखते थे, लेकिन उनके पंजे और मजल्स व्हाइट कलर के होते थे। कुछ समय के बाद सेंट जॉन वाटर डॉग की डॉग ब्रीड एक्सटिंक्ट हो गई और उन डॉग्स को लैब्राडोर डॉग्स का पूर्वज माना गया। फ्रेंड्स क्या आपको पता है कि एक ब्लैक लैब्राडोर जिसका नाम पेप था उसे जेल हो गई थी क्योंकि उसने एक कैट की हत्या कर दी थी। काफी स्ट्रेंज है ना कि डॉग्स को भी जेल होती है। लैब्राडोर का यूज स्निफ करके कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी की अर्ली स्टेज का पता लगाने के लिए भी यूज किया जाता है। लैब्राडोर डॉग को एज अ बॉम्ब स्निफर्स में भी यूज किया जाता है। हम आपको बताना चाहेंगे कि जो बॉम्बे अटैक जिसे हम 2611 नाम से भी जानते हैं उसमें हमारे बॉम्ब डिटेक्शन डॉग स्क्वाड ने कई लोगों की जान बचाई थी छुपे हुए बम्स का पता लगा के, जिसमें कि हमारे लैब्राडोर डॉग भी शामिल थे। बात करते हैं इनके ट्रेनिंग की, तो फ्रेंड्स ये डॉग काफी इजिली ट्रेंड हो सकते हैं और ये कोई भी चीज को काफी तेज सीखते हैं, काफी इजिली कैच करते हैं। अगर आपका शेड्यूल इतना बिजी है कि आप इनको एक अच्छी ट्रेनिंग नहीं दे पा रहे तो आपको इसमें टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये डॉग अपने आसपास की चीजों को देखते हुए भी काफी अच्छे तरीके से सीख सकते हैं, तो आपको ऐसी कोई दिक्कत फेस नहीं करनी पड़ेगी इनकी ट्रेनिंग को लेके। अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं तो भी आप इन डॉग्स को एकदम इजीली अपने घर पे रख सकते हो, क्योंकि फ्रेंड्स ये डॉग ब्रीड बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होती है, ये बहुत ही फ्रेंडली डॉग ब्रीड है। और वैसे भी फ्रेंड्स ये एक फैमिली डॉग ब्रीड है, तो ये आपके बच्चों के साथ खेलेगी, उनको प्रोटेक्ट करेगी और फ्रेंड्स ये एक बहुत ही अच्छे कंपेनियन डॉग भी है। तो मेरे भाई अगर आपके घर पे छोटे छोटे बच्चे हैं तो आप इस डॉग ब्रीड को अपने घर पे एकदम आराम से एकदम इजीली रख सकते हो। बात करते हैं इनके नेचर की, तो फ्रेंड्स ये डॉग ब्रीड काफी शांत नेचर की होती है। ये बचपन से ही काफी शांत नेचर के होते हैं और ये जल्दी किसी पे अटैक या किसी को हार्म नहीं करते हैं, क्योंकि फ्रेंड्स ये एक फैमिली डॉग ब्रीड है। फ्रेंड्स ये बिल्कुल भी एग्रेसिव नहीं होते हैं। हम आपको बता दें कि शांत नेचर से मेरा मतलब ये नहीं है कि अगर इनको लगता है कि इनके ऑनर पे या इनकी फैमिली पे कोई प्रॉब्लम आ रही है तो ये उसे खड़े खड़े देखे। मेरे भाई बिल्कुल भी ऐसी गलती मत करना। अगर इनको ऐसा खतरा महसूस होता है तो ये अपने ऑनर और अपनी फैमिली के लिए किसी की जान ले भी सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं, तो इस बात को बिल्कुल भी हल्के में ना लें। फ्रेंड्स अगर आपका घर छोटा है या बड़ा है तो भी आप इन डॉग ब्रीड को अपने पास एकदम इजीली रख सकते हो, क्योंकि आपको इस ब्रीड के साथ ऐसी कोई दिक्कत नहीं आएगी कि आपके घर में कम स्पेस है या आपका घर बहुत ज्यादा बड़ा है। ये डॉग ब्रीड आपके साथ एकदम इजीली घुल मिल के आपके साथ बहुत अच्छे से रहेगी। तो मेरे भाई आप आग बंद करके इस डॉग ब्रीड को परचेज कर सकते हो, भले ही आपका घर छोटा हो या बड़ा हो। लैब्राडोर्स का इस्तेमाल पुलिस डॉग और मिलिट्री डॉग में, छुपे हुए बॉम्ब्स का पता लगाने में और रेस्क्यू करने में भी यूज किया जाता है। सो फ्रेंड्स आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही था। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो आप प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए डॉग से रिलेटेड ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लाते रहते हैं। फ्रेंड्स मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।